हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपंकर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पैरट दीपंकर। मैं दीपंकर करता हूं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पैरट दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। और आज मैं मेरा बार्ड ब्रीडिंग फार्म का थोड़ा सा ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करूंगा और देखूंगा अगर कुछ चिक्स वगैरह होगा, मतलब हैंड फीडिंग में लेने के लायक, तो वो भी लूंगा। और इसके लिए मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने सोच लिया कि कुछ ना कुछ ब्रीडिंग प्रोग्रेस हम लोगों को मिलेगा और कुछ चिक्स भी हम लोग हैंड फीडिंग के लिए ले सकते हैं। तो इसके लिए ऐसे तैयारी कर लिया है, मतलब चिक्स को नेस्ट बॉक्स से या मटकी से लेके यहाँ रखेंगे और जहाँ रखते हैं सारे चिक्स को वहाँ ले जाके अच्छे से रखेंगे। और मामा, तो चलिए सबसे पहले जाएंगे सनकॉर्नियर का केज में और यहाँ हमें पक्का मालूम है कुछ ना कुछ रिजल्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अंडा है या चिक है वो तो पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा। और अगर चिक हैच हुआ और हैंड फीडिंग में लेने का लायक हो गया तो हैंड फीडिंग में ले लेंगे। यही है सनकॉर्नियर का नेस्ट बॉक्स, बहुत ही अच्छा रिजल्ट यह हम लोग देख रहे हैं। 3 सनकॉर्नियर का चिक्स और इन लोगों का आंखें भी खुल चुका है, इससे पहले ही हैंड फीडिंग में ले लेना चाहिए था। फिर भी जो है अभी भी हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और तो एक एक को सावधानी से निकाल लेते हैं। और ये थोड़ा छोटा है और तीनों चिक्स ही काफी हेल्दी है, बहुत खूबसूरत है। लेफ्ट साइड का जो है ये सबसे पहले अंडा से बाहर आया, उसके बाद ये। और तो अभी नेस्ट बॉक्स बंद कर देते हैं। और मामा, इस नेस्ट बॉक्स को एकदम साफ सफाई कर देना है, जो नेस्टिंग मटेरियल है वो पूरा बाहर निकल देना है, फिर से नया नेस्टिंग मटेरियल देना है। और तो यही है सनकॉर्नियर का 3 बहुत ही खूबसूरत सा चिक्स। और सारे चिक्स देखिए बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही सुंदर है। और इन लोगों का जो पेरेंट्स है बहुत ही अच्छे से केयर करता है। देखिए हर एक चिक का कॉप देखिए बिल्कुल भरा हुआ है, मतलब इन लोगों का पेरेंट्स बहुत ही अच्छे से केयर करके इन लोगों को पालता है और पेट भर भर के फीड कराता है। और मामा, तो इसको पकड़िए। और अभी हम लोग जाएंगे वहाँ ऊपर मेरा कॉकाटेल का कॉलोनी में। कुछ ही दिन पहले मैं कुछ एडल्ट कॉकाटेल को ले आके वहाँ छोड़ा था और संजय ने जैसे हमको बताया कि वहाँ भी थोड़ा बहुत ब्रीडिंग प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ भी जाएंगे चेक करेंगे। उसके बाद जाएंगे मेरा अफ्रीकन ग्रे पैरट का केज में। वहाँ अंडा तो मैंने देखा था, एक बार चेक किया था, 2 या 3 अंडा था, लेकिन वहाँ से चिक हैच हुआ है कि नहीं वो तो पता नहीं, आज चेक करेंगे। मेरे हिसाब से जब मैंने अंडा चेक किया था अगर चिक हैच हुआ तो वो भी हैंड फीडिंग में लेने का टाइम हो गया है। और उसके बाद जाएंगे मेरा मोंग पैराकिट का कॉलोनी में। लेकिन 3 दिन पहले मामा ने जैसे बताया था, 3 चूहा मोंग पैराकिट का कॉलोनी के अंदर मामा ने देखा, मतलब नेस्ट बॉक्स के अंदर जहां मोंग पैराकिट अंडा ले करेगा उसके अंदर ही चूहा घुस के बैठा है। तो चूहा अगर रहेगा तो ब्रीडिंग मिलना इम्पॉसिबल है, तो शायद वहां चेक करके भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर बड़ा पैरेट होता है अफ्रीकन ग्रे या मकाओ तो चूहा डिस्टर्ब करने से ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटे टाइप का बार्ड जैसे बजी, कॉकाटेल, लवबर्ड, मोंग पैराकिट वगैरह, इन लोगों का केज का अंदर अगर चूहा रहेगा तो वहाँ वो लोग इतना आसानी से ब्रीड नहीं करेगा। और तो फाइनली अभी हम लोग पहुँच गए हैं मेरा कॉकाटेल का छोटा सा कॉलोनी का अंदर। और मामा ने जैसे बताया कि लास्ट कुछ दिन ये लोग बहुत खा रहा है, मतलब मामा जितना खाना दे रहा है पूरा साफ कर रहा है, पूरा के पूरा खा रहा है। और जब मटकी के अंदर चिक्स वगैरह रहते हैं तो उन लोगों का पेरेंट्स तो उन लोगों को फीड कराते हैं, इसलिए खाना मतलब ज़्यादा खाते हैं या ज़्यादा देना भी पड़ता है हम लोगों को, तभी जाके सारे चिक्स का हेल्थ भी ठीक रहेगा। चेक करेंगे एक एक करके और उम्मीद करेंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ से हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इस कोने से चेक करता हूँ, तो आगे है सबसे पहले इस मटकी का सामने 3 चिक्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, सॉरी यहाँ 4 चिक्स है, पीछे भी एक है। दोनों बहुत बड़ा हो चुका है और दोनों बहुत छोटा है, तो संजय यहाँ से 2 निकल लेना शायद सही रहेगा, नहीं तो ये मटकी का जो साइज है 4 चिक्स के लिए काफ़ी नहीं है, तो यहाँ से निकल लेंगे। तो जो दोनों चिक बड़ा हो गया है उन दोनों को बाहर निकल लेंगे। यही है एक चिक और उसके बाद ये चिक भी थोड़ा बड़ा हो गया है, इनको भी बाहर निकल लेते हैं हैंड फीडिंग के लिए। और बाकी का दो जो है ये दोनों भी बहुत ही हेल्दी है, स्वस्थ है, तो इन लोगों को रहने देते हैं। और अभी जाएंगे दूसरा मटकी चेक करने के लिए। उसके बाद चेक करते हैं और एक मटकी और यहाँ 2 या 3 ऐसे कुछ चिक्स है, लेकिन बहुत छोटा है, अभी हैंड फीडिंग में लेना सही नहीं होगा और 5-7-10 दिन के बाद लेना सही रहेगा। और उसके बाद चेक करते हैं और एक मटकी को, यहाँ 2, 4, 5 अंडा है, लेकिन अंडा तोड़ के अभी तक कोई चिक बाहर नहीं आया। और उसके बाद आगे है और एक मटकी में और यहाँ एक फीमेल बैठी है,
और कुछ अंडा भी लेके बैठी है, लेकिन शायद अभी तक कोई चिक अंडा से बाहर नहीं आया। और उसके बाद चेक करते हैं और एक मच्छी, यहाँ भी एक दो तीन चिक्स है शायद, लेकिन बहुत छोटा है, अभी हैंड फीडिंग में लेने का लायक नहीं हुआ। और उसके बाद आ गए हैं और एक मच्छी में, यहाँ मेल फीमेल दोनों ही बैठा है और एक चिक तो अंडा से बाहर निकल आ गया है और दो तीन अंडा शायद है। ये चिक भी बहुत ही छोटा है, ये भी हैंड फीडिंग में अभी लेने का लायक नहीं हुआ। और उसके बाद आया ये मटकी, यहाँ भी एक दो तीन चार अंडा अभी तक है और एक छोटा सा चिक। और उसके बाद यहाँ भी एक मटकी है, यहाँ भी एक दो तीन शायद तीन चिक्स है और एक अंडा, लेकिन ये लोग भी बहुत ही छोटा है, अभी हैंड फीडिंग में लेने का लायक नहीं हुआ। और उसके बाद आया यहाँ, यहाँ एक पेसिलेस ने शायद अंडा ले किया है, अभी तक कोई चिक अंडा से बाहर नहीं आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट। और उसके बाद यहाँ भी दो चार पाँच, पाँच अंडा है। और तो कोकाटल का कॉलोनी से भी हम लोगों को दो हैंड फीडिंग के लायक चिक्स मिला, बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत चिक्स है दोनों। और यहाँ तो है तीन सान कॉनियोर का चिक्स। और तो अभी हम लोग जाएंगे अफ्रीकन ग्रे पैरट का ब्रीडिंग केज के अंदर और देखेंगे, चेक करके देखेंगे वहाँ से भी हैंड फीडिंग के लायक कोई चिक हम लोगों को मिलता है कि नहीं। और बहुत ही खूबसूरत है सारे चिक्स। और ओवरऑल मेरा कोकाटल का कॉलोनी का जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड से उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक मटकी में कुछ ना कुछ रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला, किसी में अंडा है, किसी में चिक्स, छोटा छोटा चिक्स भी है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस है। और बहुत सारे लोगों का मन में एक क्वेश्चन रहता है कि कॉलोनी का अंदर कोकाटल ब्रीड करता है कि नहीं, और तो फाइनली मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ, कोकाटल का कॉलोनी में भी अच्छा बहुत अच्छा ब्रीडिंग होता है। तो ऐसे तीन A19 का डब्बा होल बना लिया और जो सनकोनियर का चिक्स लेके आया था इस डब्बे में रखा और कोकाटेल का दो चिक्स को इस डब्बे में, और इसमें अफ्रीकन ग्रे का कोई चिक मिलेगा। लेकिन इन लोगों को तो सुबह 10 बजे निकल के लेके आया था, लेकिन अफ्रीकन ग्रे को निकलने के लिए मेरा जो हैंड ग्लव्स था, मतलब जिसको पहन के नेस्ट बॉक्स के अंदर हाथ डाल के वो चिक्स निकलता था, वो कहीं मिल ही नहीं रहा है, इसलिए ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम निकल गया। उसके बाद दोपहर लंच वगैरह किया और अभी तो शाम होने को जा रहा है और कुछ भी करके आज निकल लेना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो तभी हैंड फीडिंग देना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अफ्रीकन ग्रे जैसे सनकोनियोर का चिक्स को उनका पेरेंट्स बहुत ही अच्छे से पेट भर भर के फीड कराता है, लेकिन अफ्रीकन ग्रे का चिक्स को उसका पेरेंट्स 15 से 20 दिन तक तो उन लोगों का चिक को वो लोग सही से फीडिंग कराते हैं, पेट भर भर के फीड कराते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद जिस क्वांटिटी का फीड कराना चाहिए उसी हिसाब से नहीं करा पाते हैं। इसलिए मतलब सिर्फ मेरा नहीं, मेरे बहुत सारा फ्रेंड्स है उन लोगों के पास भी अफ्रीकन ग्रे ब्रीड करता है, सबका पास एक ही प्रॉब्लम मैंने देखा है। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि आपके पास भी अगर अफ्रीकन ग्रे ब्रीड कर रहा है तो 15 से 20 दिन के बाद उसका चिक्स को निकल के आप हैंड फीडिंग कराएंगे, तभी जाके जितना सारा चिक्स हैच होगा सारे के सारे अच्छे हेल्थ के साथ आप उनको बड़ा कर पाएंगे। और अभी तो शाम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है और मैं पहुंच गया हूं फाइनली मेरा अफ्रीकन ग्रे का ब्रीडिंग केज का अंदर, नेस्ट बॉक्स का सामने। एक्चुअली मेरा ब्रीडिंग केज उस साइड है, बाहर से मैंने नेस्ट बॉक्स लगा के रखे हैं और नेस्ट बॉक्स का होल उस साइड है। और अगर चिक्स देखने को मिलेगा और हैंड फीडिंग के लायक है, मतलब हैंड फीडिंग में लेने का उनका एज हो गया है, तो इसी में लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमको जो करना है, हाथों में कुछ ऐसे करके कर लेता हूँ, क्योंकि अफ्रीकन ग्रे बहुत तेज काटता है। और नेस्ट बॉक्स ओपन करने से पहले थोड़ा ऐसे टोका लगाना चाहिए, क्योंकि अगर अंडा रहेगा या छोटा चिक रहेगा और ऐसे हम सडनली ओपन कर देंगे तो वो लोग डर जाएगा और हड़बड़ी में उसका पैर अगर अंडे का ऊपर या चिक का ऊपर गिरेगा तो नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले ऐसे टोका लगाना है और उसके बाद ऐसे आस्ते से खोलना है। और ये रहा, और वाओ, बहुत खूबसूरत सा एक अफ्रीकन ग्रे का चिक हम लोगों को देखने को मिला। और इसका जो एज है, अभी इस एज में हैंड फीडिंग में लेना ही सही रहता है, बहुत खूबसूरत है। और जो नेस्टिंग मटेरियल दिया हुआ था शायद इसका मुंह में थोड़ा सा गया, अभी साफ कर दिया, निकाल दिया और इसको अभी बंद कर देते हैं। वाओ, यहाँ भी बहुत अच्छा ग्रेड रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला। और तो फाइनली इसको भी लेके चला आया और पहले से तो इसके लिए संजय ने ये जगह तैयार करके रखा था।
और तो फाइनली आज मेरा बर्ड ब्रीडिंग फार्म से 2 कोकाटल का चिक्स, 3 सनकोनियर का चिक्स और 1 अफ्रीकन ग्रे का चिक को मैंने बाहर लेके आए हैं। और सारे चिक्स देखिए बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। और इन लोगों का एज तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा पहले निकल लेना चाहिए था, लेकिन अफ्रीकन ग्रे का और कोकाटल का बेबी का जो एज है ये सही एज है नेस्ट बॉक्स से बाहर निकल के ले आके हैंड फीडिंग कराने का। तो बहुत अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस हम लोगों को देखने के लिए मिला। और उसी के साथ ये जो चीक है अफ्रीकन ग्रे का, ये तो बहुत छोटा था, इसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था और ये अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है। A19 हैंड फीडिंग फार्मूला से फीड कराने से क्या होता है, बेबी बार्ड का हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही हेल्दी हो जाता है। अभी इन लोगों का कॉप में तो थोड़ा बहुत खाना है, लेकिन अफ्रीकन ग्रे मैंने जैसे बताया था कि उनका पेरेंट्स जितना क्वांटिटी का फीड चाहिए सही से फीड करा नहीं पाते हैं। और सनकोनियर और कोकाटेल्स वगैरह देखिए, इन लोगों का पेरेंट्स तभी फीड कराया था, सुबह 10 बजे मैंने इन लोगों को निकल के लेके आया था, अभी तक कॉप में खाना है। और सनकोनियर्स का भी देखिए अभी तक खाना है, लेकिन जितना क्वांटिटी का जितना खाना फीड कराना चाहिए था अफ्रीकन ग्रे का चीक को, उसका पेरेंट्स ने फीड करा नहीं पाया। इसलिए मैं कहता हूं अगर आपके पास भी अफ्रीकन ग्रे का ब्रीडिंग हो रहा है तो 15 से 20 दिन के बाद नेस्ट बॉक्स से आप चिक्स को निकल लीजिए और हैंड फीडिंग कराइए A19 से। देखिएगा सारे के सारे चिक्स अच्छे हेल्थ के साथ आप बड़ा कर पाएंगे। और तो वीडियो को यहां खत्म करेंगे, वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड से उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपीयर हो जाएगा, वहां भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूट्यूब में मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। আজকে আমি আমার মন্দিরে এসেছি, এটা আমার মন্দিরে এটার সেবা দায়িত্ব আমার। এখানে জলারাম বাবা আছেন, দুর্গা আছেন, অনেক অনেক দেব দেবীগণ সবাই আছেন। আজকে শিব চতুর্দশী, বাঙালিদের শিব চতুর্দশী। আজকে এখানে আমাদের ছোট বাচ্চা একদম গ্রামের ভেতরে পূজা হয়। আপনাদের সবাইকেও আমার আমন্ত্রণ থাকলো, আপনারা যদি কেউ আসতে চান আমার এই মন্দিরে, নিচে দেওয়া এই ফোন নাম্বারে ফোন করে যোগাযোগ করতে পারবেন সঞ্জয়ের সঙ্গে, আর এখানে পৌঁছে যেতে পারবেন। তো সবার প্রথমে আমাদের মন্দিরটা একটু ভালো করে দেখিয়ে নিই। এখন মন্দিরে সব দেব দেবীগণকে ফুলের মালা দিয়ে একটুখানি সাজানো হচ্ছে, ঠাকুর মশাইও এসে গেছেন। আর পুজোতে লুচি আর তরকারি, এটা আমাদের একটু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সবাই দিদিরা লুচি তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছেন, সবাই মিলে লুচি তৈরি করছেন, অনেক লুচি অনেক তরকারি হবে, অনেক লোকজন এখানে আসেন, যারা যারা আসেন সবাই এখানে একটুখানি টিফিন করে খাওয়া দাওয়া করে যান। লাল চাও পেয়ে গেছি, ভীষণ গরম তরকারি, মানে লুচির সঙ্গে সবজি, লুচি লুচি তো হচ্ছে দেখলাম, তার সঙ্গে আলু কুমড়া তরকারি, আলু কুমড়ো তরকারি হবে আর চাটনি হবে আর এই ফুলকপি তরকারি আছে। ও আচ্ছা, না না হয় না, হবে সব রেডি হয়ে গেছে। আর এখানে একটু লাইটের অভাব আছে, ছবি ভিডিও করতে এখানে এই যে ফুলকপি সব রেডি হয়ে আছে হবে। আচ্ছা টোটাল কতজনের জন্য বাবু? 500 লুচি, ফুলকপি তরকারি, চাটনি, আলু কুমড়ো তরকারি, আলু কুমড়ো তরকারি, চাটনি আর লাড্ডু একটা, মানে দারুণ খাওয়ার, বেশ। আর তারপরে প্রসাদ আছে, প্রসাদ আছে ঠাকুরের প্রসাদ, মানে দারুণ মজাদার ব্যাপার। 500 জন টোটাল 500 জন লোকের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন। আমাদের আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে, সমস্ত রান্না বান্না হয়ে গেলে পুজো হবে, পুজোর প্রসাদ খাবো, তারপরে লুচি ফুলকপির তরকারি আলু কুমড়োর তরকারি চাটনি আর লাড্ডু। কাকু আপনার তত্ত্বাবধানেই এই সব কিছু হয়। আর টোটাল প্রোগ্রামটাতে পিছন থেকে যে আমাদের যে সবচেয়ে বড় যে অর্থনৈতিক সহযোগিতাটা, সেটা আমাদের দীপঙ্কর জিন্দা অর্থাৎ পালোর দীপঙ্কর চ্যারিটেবল ট্রাস্টের কর্ণধার এবং চিফ ফাংশনারি সহযোগিতা করেন, আপনারাও সহযোগিতার হাত বাড়াবেন। তাহলে এই গ্রামের এই প্রত্যন্ত গ্রামের ভিতরে এই মন্দির, এই মন্দির প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানগুলোকে আমরা আরো বড় বড়ভাবে কিছু করতে পারবো। এবারে দেবাশিস ক্যামেরার সামনে চলে এসছে, দাদা চাটা খেয়ে বলো, খেয়ে বলো কেমন টেস্ট? একদম অসাধারণ টেস্ট। আর এখানে তো আপনাদের দেখালাম লুচির কাজ চলছে, তারপরে এবারে মন্দিরে যাবো।
আবার কিছুদিন পরে। তো ওদিকে আমাদের রান্নাবান্নার কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে, আর এদিকে পুজোরও সময় হয়ে গেছে, ঠাকুর মশাই পুজোতে বসে গেছেন। আজকে শিব চতুর্দশী, এইখানে বাবা শিবের মাথায়, অনেক গ্রামের দিদিরা বোনরা মায়েরা সবাই এসছেন শিবের মাথায় দুধ জল ঢালার জন্য। আর এইখানে পুজোর জন্য সমস্ত কিছু রেডি হয়ে গেছে, পুজো শুরু হবে। আর এখানে আমার প্যারট দীপঙ্কর চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সকল সদস্য হাজির, না সবাই হাজির নেই, সবাই নেই, কয়েকজন মিসিং আছে, কিন্তু সবাই, আর এরা সবাই অ্যাক্টিভ। দেবাশিস প্রদীপবাবু রয়েছে, গৌদ্দা রয়েছে, এদিকে আছে হিরণময়, নমো সূচি, গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর।